सीएए को लेकर के पाकिस्तान के 5 नागरिकों को दी जा सकती है आज भारतीय नागरिकता। इसको लेकर के बैठक भी आयोजित की जा रही है। 5 पाक नागरिकों को मिल सकती है भारतीय नागरिकता, सीएए के तहत मिल सकती है भारतीय नागरिकता। संजय सर्किल स्थित ऑफिस में दिया जा रहा अंतिम रूप, 5 पाक नागरिकों को मिल सकती है भारतीय नागरिकता। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप जन टीवी की स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर सीएए के तहत मिल सकती है भारतीय नागरिकता। संजय सर्किल स्थित ऑफिस में दिया जा रहा है अंतिम रूप, जन टीवी आपको दिखा रहा है एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सीएए के तहत मिल सकती है भारतीय नागरिकता। अंतिम रूप इस प्रक्रिया को दिया जा रहा है। प्रशासन और केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारी यहां पर मौजूद। ये संजय सर्किल स्थित ऑफिस में दिया गया है अंतिम रूप, 5 पाक नागरिकों को मिल सकती है भारतीय नागरिकता। जन टीवी आपको दिखा रहा है एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर संजय सर्किल स्थित ऑफिस में दिया जा रहा है अंतिम रूप, 5 पाकिस्तान के ये नागरिक जिनको आज मिल सकती है भारतीय नागरिकता। सीए के तहत मिल सकती है नागरिकता। प्रशासन और केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी मौजूद। जन टीवी आपको दिखा रहा है एक्सक्लूसिव तस्वीरें। पांच पाक नागरिकों को आज मिल सकती है भारतीय नागरिकता। संजय सर्किल स्थित ऑफिस पर दिया जा रहा अंतिम रूप। केंद्रीय अधिकारी भी मौजूद। पांच पाक नागरिकों को आज भारतीय नागरिकता मिल सकती है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सन टीवी की तरफ से देख रहे हैं, जहां पर सीएए के तहत संजय सर्किल स्थित ऑफिस में अंतिम रूप इस प्रक्रिया को दिए जा रहा है। सीएए के तहत 5 पाक नागरिकों को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। संजय सर्किल स्थित अरवन पोस्ट ऑफिस में अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रशासन और केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारी भी मौजूद हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बस सारी दिक्कतें खत्म हो जाएगी। कितने साल से यहाँ पर रहते हैं? 12 साल से। घर में किन किन लोग तक मिल चुके हैं भारत में? मम्मी पापा। अब और कौन लोग बाकी रहे? 2 भाई और मैं, 3 जन रहे। में या जॉब में किसी तरह की तकलीफ का सामना करना पड़ा? पूरे नहीं होते हाँ,
ट्वेल्थ के एग्ज़ाम देने में एक दिक्कत आई थी। अब काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है लोगों को, जी लागू हुआ है, काफ़ी भ्रांतियाँ फैली हुई थी लोगों में, लेकिन अब प्रोसेस सामने। हाँ, बहुत बड़े सारे परिवर्तन है। हम लोग लगातार नागरिकता के काम में हमारी संस्था निमित्तेकम कई वर्षों से लगी हुई है। इन दिनों मेरी धर्मपत्नी निमित्तेकम की अध्यक्ष ही संभाल रही हैं। सीए लागू होने के बाद में प्रक्रिया का बहुत तेज़ी से सरलीकरण हुआ है। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी और राज्य स्तरीय कमेटियाँ बनाई गई हैं। केंद्र सरकार से संबंधित महकमों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। माननीय मीणा जी राजस्थान लेवल की कमेटी को हेड कर रहे हैं। और पहले दिन जब हम यहाँ आए हैं, ये बच्ची आई है और विक्टिम्स यहाँ पे आए हैं, तो आते ही इनके ऑनलाइन पेपर्स में सारी प्रक्रिया पूरी हो गई थी। आते ही इन्होंने ओथ ऑफ एलिजेंस यानी भारत के प्रति निष्ठा की शपथ ली है। जो पुरानी प्रक्रिया में अंतिम पड़ाव होता था, उससे आज हमारी शुरुआत हो रही है। तो प्रक्रिया इतनी शॉर्ट हुई है, इसका इतना सरलीकरण हुआ है। मुझे लगता है कि अगले कुछ ही दिनों में इन सभी लोगों को जो जयपुर में 141 फॉर्म भरे हैं, इन सभी को नागरिकता मिल जाएगी। राजस्थान में और भी जगह मैंने मालूमात की है। राजस्थान में अभी पहला जो वर्किंग स्टार्ट हुई है वो जयपुर में ही हुई है। तो ये पहला कैंप मान सकते हैं आप सीए का, आज से शुरू हो गया है यहाँ। हजारों लोगों की संख्या है, हजारों फॉर्म हमारी टीम भरवा चुकी है। जैसलमेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में, जालौर में हमारे संघ के अन्य अन्य संगठन भी लगे हुए हैं, बीजेपी के लोग भी लगे हुए हैं। बीजेपी की ओर से चूंकि मैंने चुनाव लड़ा, तो मुझे जिम्मेदारी दी गई है सीए का राजस्थान में इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो। इस काम में मैं राजनीति में आने से पहले भी बहुत समय से लगा हुआ था। सबसे पहले तो मैं भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने सीए को लागू किया और आज हमारे राजस्थान के अंदर सीए की प्रक्रिया चालू हो गई है। और परेशानी तो यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं और जिनको नागरिकता नहीं मिली, उनको सभी तरीके की देखनी पड़ रही है। वो कहीं आ जा नहीं सकते थे पहले, अपनी स्टडी के अंदर भी उनको दिक्कत होती थी। कहीं जॉब मिल रहा है तो वो भी उनको हाफ रेट के, हाफ जो उनका पे होता है वो हाफ मिलता था। अब जब ये सब लोग भारत के नागरिक बन जाएंगे तो इन लोगों को अपनी अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी मिल जाएगी और आगे का जो इनका फ्यूचर है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, पहले हमें सरकारी बहुत सी सुविधाओं में हमें जो दिक्कत आती थी, अब नागरिकता मिलने के बाद हमारा पहचान पत्र बन गया और हमारे बहुत सी जैसे राशन कार्ड हो गया, इस तरह की जो सरकारी सुविधाएं हैं वो सब अब हम मिलने लगी हैं। हम मेरे तीन बच्चे बाकी हैं जिनके मैं फर्स्ट में, पहली मेरी बच्ची है जिनका हो अभी सीए में फौजा जी के कारण से और माननीय अपनी सरकार के से सीए से हो रहा है, और दो बच्चे मेरे और हैं। इसको इस तरह से लो ना, जो हम लोग दिख जाएंगे कमेटी वाले सारे, एक लिमो सर, नहीं एक बार बैठ को जाने का है। अच्छा ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम मोहन सिंह मीणा है, मैं प्रवर अधीक्षक डाकघर जयपुर शहर मंडल हूँ। और सीए के अंदर जो जिला स्तरीय कमेटी है उसका मैं चेयरपर्सन हूँ। मेरे साथ में कमेटी में श्री विनोद कुमार जी शर्मा डायरेक्टर साहब हैं आप एनआईसी के, और श्री जैन साहब, महेंद्र कुमार जी जैन साहब नायब तहसीलदार हैं, जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि, और भी दो तीन व्यक्ति हैं रेलवे विभाग के, और विजिलेंस भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। हमारा जो आज का जो काम है, ये पहला दिन है, हमें हम जिन व्यक्तियों को बुलाए हैं उनका हमारा जो मेन काम है कि इन्होंने अपलोड जो दस्तावेज किए हैं और जो मूल दस्तावेज से उनका मिलान करें, उनके हमारे सामने साइन लेंगे, ओथ ऑफ एलिजेंस पे वो साइन करें और फिर इनको हम जो है अपलोड करेंगे। फिर ये साइट पे जा करके इनको नागरिकता वेरिफिकेशन होने के बाद इनको नागरिकता मिलेगी। पहली एक रेखा देवी बच्ची है, उसको जो है पहला अभी मैं दस्तावेज उनके साइन कर रहा हूँ, तो पहली उस बच्ची का हम आज ये प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। लगभग 150 फार्म जयपुर ज़िले में आए हैं, जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण दोनों में। तो हम बहुत जल्दी इनको जो है सबको जो हमारे लेवल पे जो काम होगा इनका सत्यापन का, वो बहुत जल्दी हम कर रहे हैं। टोटल 150 व्यक्ति हैं और पर डे हमने 20 करने हैं,
तो ज़्यादा दिन नहीं है, फर्स्ट वीक ऑफ जून के अंदर हम इसको पूरा कर देंगे। नहीं, प्रोसेसर में एक आदमी को एक घंटे में चार आदमियों का हो जाता है, मतलब एक आदमी को मात्र 15 मिनट लग रहे हैं, इससे ज़्यादा प्रोसेस लग ही नहीं रहा है। तो 20 आदमी हम पर डे आराम से ले सकते हैं। तो हमने 20 आदमी इसलिए कि इतनी धूप है, और लेकिन हमने यहाँ पर जो जितने भी बंदे आए हैं ये हमारे ही भाई हैं, वो चाहे बांग्लादेश से आया है, चाहे अफगानिस्तान से आया है, या पाकिस्तान से आया है, और ये कई दिनों से यहाँ पर कई सालों से रह रहे हैं। पहली शर्त इसमें यही है कि हम उन्हीं के फार्म सत्यापन करेंगे जिनका रेजिडेंस भारत में 31 दिसंबर 2014 हो, लेकिन उन सब आने वालों के लिए पानी की व्यवस्था मैं करवा रखा हूँ, बैठने की समुचित व्यवस्था है, चाय